अरे कहाँ चले, रुको रुको मेरी बात सुनो। अगर आप टॉपर्स प्लेलिस्ट की पीडीएफ चाहते हैं तो कैल्विन लाइव एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए और सबकी पीडीएफ आपको सिस्टमेटिक मैनर में मिल जाएगी। अब बात करते हैं टॉपर्स बनने के रास्ते की। आइए, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर पाए तो आप हमारा देखिए वन शॉट जो कि हर चैप्टर का अवेलेबल है। अगर आप इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो कि इसी साल पैटर्न में ऐड किए हुए हैं, जहां पर आपको एमसीक्यू एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, तो इसके भी प्लेलिस्ट आपको गिवन है। माइंड मैप करना चाहते हैं यानी कि आप सिर्फ किसी चैप्टर पर सिर्फ 10 मिनट लगाना चाहते हैं तो सारे चैप्टर्स के माइंड मैप अवेलेबल है, आप उनको कर सकते हैं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कहने का मतलब कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी भी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही साथ मार्क वाइज क्वेश्चन, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और फिगर आउट करना चाहते हैं कि कैसे आप मार्क्स ला पाए, तो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन अलग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे एक्सेप्ट दिस। तो बच्चा बाटे फटाफट से प्लेलिस्ट को जाइए, सेव कीजिए और यूज करना स्टार्ट कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। हेलो टॉपर्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले के सारे वीडियोस जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वो आपने देख डाले होंगे और आप टॉपर बनने के रास्ते पर निकल पड़े होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की, जहां पर हम देखेंगे कि ए बी सी डी को किस तरह से आप आंसर करें और किस तरीके से उनको फ्यू सेकेंड्स में डील करें। तो चलिए बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को और बनते हैं टॉपर। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम बात करने वाले हैं एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पहली बार देखने को मिलेंगे। इससे पहले शायद आपको नहीं मिलते थे, बट जेई में और बाकी एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक एसर्शन दिया जाता है और एक उसका रीजन दिया जाता है। दो बातें होती हैं कि एसर्शन सही है, रीजन सही है, या एसर्शन गलत है, रीजन सही है, या रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। ठीक है, तो मैं सारी बातें बताऊंगा, समझ लीजिए यहाँ पर क्या क्या बातें होंगी। पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन बड़ी ही सिंपल सिंपल बातें करता है, और वो बातें क्या है? कह रहा है बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। कह रहा है दोनों ही क्या है? ट्रू है। दोनों ही क्या है? ट्रू है। मैंने कहा सही है, बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों ही ट्रू है तो इसका मतलब वो कह रहा है कि assertion is true, reason is also true, but ये इसका correct explanation भी है। समझ गए बात को? दूसरे में कहता है both assertion and reason are true। दूसरे में कह रहा है कि भाई ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब सी में क्या कहता है? सी ऑप्शन में कह रहा है एसर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। और डी ऑप्शन में क्या कहता है? एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। कहने का मतलब एक बात समझ में आ गई मेरे। क्या बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात समझ में आई कि अगर किसी ऑप्शन में एसर्शन गलत हो जाए, सिर्फ एसर्शन गलत हो जाए, तो आप देखते ही आंसर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। बस यहीं पर आपका काम हो जाएगा। और अगर किसी में रीजन गलत हो जाए, क्या हो जाए? देखो यहां पे भी रीजन सही है, यहां पे भी रीजन सही है, लेकिन अगर यहां पे रीजन गलत हो जाए, इसका मतलब आप सी लगा देंगे। लॉजिकली समझिए मेरी बात को, बहुत काम की चीज है, आप देखते ही क्वेश्चन को सही कर पाएंगे और बहुत मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है कि एसर्शन आपको ये दे रखा है। एसर्शन क्या दिया है? कह रहा है द वैल्यू ऑफ क्यू दैट इज प्लस माइनस 2 इफ एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। लाइन कौन सी है हमारी? दैट इज 2x प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कि x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1, इसको क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने कहा रख के देखते हैं, तो मैंने कहा 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका 6 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये क्यू स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। 6 और 1 7 हो गया, 7 में से 3 गए 4 बचे, तो 4 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, इसका मतलब क्यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो गया। और इस क्वेश्चन में भी क्या दिया था? Q जो है प्लस माइनस 2, इसका मतलब जो assertion है वो पूरी तरीके से ट्रू है।
अब रीजन क्या दिया है, द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, हमने भी यही किया है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब जो यहां पर ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका मतलब ए मस्ट बी द राइट आंसर। सो लेट मी चेक कि क्या इसका ए सही आंसर है, तो यस ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, इसको समझिए, आराम से समझिएगा। क्या दिया है क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, कह रहा है अगर पेयर ऑफ लाइंस कोइंसिडेंट हो, क्या हो कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी लाइन, देन वी से दैट पेयर ऑफ लाइंस कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, अगर मैं एक ही बात कर रहा हूं, वो कह रहा है एक लाइन और उसके ऊपर दूसरी लाइन, उसके ऊपर दूसरी लाइन, तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो गया, ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। क्या हो गए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। जबकि उन्होंने क्या कहा है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये बात गलत है और ये बात गलत है, तो एसर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, और गलत होते ही डी इसका सही आंसर हो गया। मैंने आपको बताया था पहले कि भाई एक चीज से ही पता लग जाएगा सही आंसर क्या होगा, तो चेक कर लेते हैं, यस डी इज द करेक्ट आंसर। खटाखट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कह रहा है x plus y minus 4 equal to 0 and 2x plus ky minus 3 equal to 0 has no solution if k equal to 2। मैंने कहा आओ, no solution की कंडीशन क्या होती है, a1 हम a की बात कर रहे हैं, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। मैंने कहा बहुत सही, ये हो गया 1 upon 2 is not equal to, ये हो गया 1 upon k। मैंने k की वैल्यू 2 रख दी, क्या रख दी 2 रख दी, तो k की वैल्यू उन्होंने 2 ही दे रखी है, मैंने यहाँ पर 2 रखा। अब वो नो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन में भाई ये कंडीशन तो नहीं होती बिल्कुल भी। कौन सी कंडीशन होती है मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, नो सॉल्यूशन में जो कंडीशन होती है वो ये होती है, कौन सी, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। मैंने कहा ठीक है, तो रखो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन के इज नॉट इक्वल टू -4 अपॉन -3। साफ तौर पर मुझे दिख रहा है ये 1 अपॉन 2 हो गया, ये 1 अपॉन 2 हो गया, क्योंकि k की वैल्यू उन्होंने 2 दी हुई है, और इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 3। और इस कंडीशन को आप ठीक से देखिए, इसका मतलब a तो पूरी तरीके से सही है। उसने क्या बोला, नो सॉल्यूशन, क्या नो सॉल्यूशन। अब अगला देखिए, a1 दिस 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 एंड दिस आर कंसिस्टेंट, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। मैंने कहा ये बात तो सही है, कंसिस्टेंट तो है, तो पहली बात तो पता चल गया कि a बिल्कुल सही है, कंसिस्टेंट है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कंसिस्टेंट है, ये बात बिल्कुल सही है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ये, दिस इज व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ये, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब ए सही है, आर सही है, बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब बी मस्ट बी द राइट आंसर। लेट मी चेक, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि बी में क्या दिया होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए बी में क्या दिया होता है, आइए भाई बी पर, बी पर देखिए, बोथ एसर्शन ए ट्रू, रीजन ट्रू, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, वही इस क्वेश्चन में हुआ आपके सामने। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज 25। ये क्या कहता है, आइए, कह रहे हैं दिस हैज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये होता है, तो हमने लिखा k अपॉन 6 -1 अपॉन -2 और -2 अपॉन -3। गौर से देखिएगा, k की वैल्यू 3 दी है उसने, तो 3 by 6 1 by 2, ये आपका 2 by 3 है,
देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या है, 2/3 है। तो भाई ये तो ऐसा होना चाहिए, किसके लिए? इनकंसिस्टेंट के लिए। लेकिन भाई इनकंसिस्टेंट की बात करूं तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन ही यही होती है। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्लियर है ये बात? इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन। इसका मतलब जो ए है वो ट्रू है, एसर्शन इज ट्रू। अब दूसरे पे बात करते हैं, कह रहा है इनकंसिस्टेंट की ये कंडीशन होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, यही कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की। ये बात बिल्कुल सही कही उनने। तो अगर ये बात हो गई तो इसका मतलब ये, इसका क्या हो गया? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। करेक्ट एक्सप्लेनेशन मतलब ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगर ऐसा हो गया तो ए मस्ट बी द राइट आंसर। तो चेक करते हैं, यस ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे रखा है। क्या ना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, अगर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की बात करें तो हमारी कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं होता। मैंने कहा चेक करते हैं, यहां पर वन है, यहां पर थ्री है, यहां पर माइनस का टू है, और यहां पर फोर है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 1/2 है। इसका मतलब जो ए है वो सही है। ए क्या है? कह रहा है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो हाँ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। अब दूसरे पे चलते हैं, दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। कह रहा ये जो नीचे वाला है ना, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन सेम चेक किया हमने, तो हमने कहा 2/4, हमने कहा 3/6, दो ही चेक करने हैं। तो ये 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। हाँ ये बात भी सही है, इसका मतलब रीजन भी सही है, ए भी सही है। लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? क्या ये उसके बारे में कुछ बता रहा है? उसके बारे में तो कुछ नहीं बता रहा, एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया उन्होंने। उसने कहा ए सही है, आर सही है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। और उसके बारे में अगर कुछ नहीं बता रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है? सी मस्ट बी द राइट आंसर। ओके चलिए, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा वाटेड, दिस इज ऑल अबाउट ऑल एसर्शन रीजन क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो कि हमने पूरी तरीके से फोड़ डाले हैं, और उम्मीद है आप भी ऐसे ही फोड़ देंगे। फिर से मैं एक बात रिवाइज कर रहा हूं। ए ऑप्शन जिसमें एसर्शन भी ट्रू होता है, रीजन भी ट्रू होता है, और रीजन एसर्शन के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। बी ऑप्शन, एसर्शन ट्रू होता है, रीजन ट्रू होता है, बट रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा होता है एसर्शन के बारे में। फिर मैं चलता हूं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में रीजन ट्रू, एसर्शन ट्रू होता है बट रीजन गलत होता है। और डी ऑप्शन में एसर्शन गलत होता है और रीजन सही होता है। आई होप बच्चा आपने ये गेट कर लिया होगा, अच्छे से पकड़ लिया होगा, कॉपी पर नोट कर लिया होगा। और आगे से कभी भी ये क्वेश्चन आए या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, एसर्शन रीजन में ऑप्शन हमेशा यही चार होंगे और आप उसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए ऑल द बेस्ट। तो टॉपर्स, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को हमने गजब तरीके से फोड़ डाला है, और केस बेस्ड क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो आपकी प्लेलिस्ट में आ गई है। तो देर किस बात की, फटाफट से जाइए उस वीडियो को भी देखिए और बनिए टॉपर।